पहली स्टोरी निकल के आ रही है भाई इन बिशप की तरह। इन बिशप बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तानी बॉलर शाहीन अफरीदी की। अभी सीरीज चल रही है वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज, तो उसमें शाहीन अफरीदी की काफी बढ़िया परफॉर्मेंस उनको देखने को मिली है। काफी बढ़िया बॉलर तो है ही। उन्होंने कहा कि भाई 21 साल की उम्र में ये बॉलर जो कर रहा है ये बहुत ही गजब का है, बहुत ही तगड़ी परफॉर्मेंस दे रहा है। मैं जब 21 साल का था तो मुझे टेस्ट क्रिकेट के बारे में कुछ भी नहीं पता था, तो शाहीन अफरीदी के वो बहुत ज़्यादा फैन हो रहे हैं। तो अभी रिसेंटली वेस्ट इंडीज़ वाले ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं पाकिस्तान वालों की, मुझे पता नहीं क्यों। अभी माइकल होल्डिंग ने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी थी, बूम बूम बुमराह का एक फैन स्टिकर लेके खड़ा हुआ था जो इंडिया इंग्लैंड की सीरीज चल रही है उसमें, तो उन्होंने कहा था कि भाई जो बूम बूम का जो टैग है वो तो सिर्फ अफरीदी के साथ ही जाता है, बूम बूम बुमराह नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगली स्टोरी आ रही है इंजमाम उलक की तरफ से। इंजमाम उलक ने बहुत ज़्यादा तारीफ करी है केएल राहुल की। उन्होंने कहा कि भाई केएल राहुल एक बहुत ही ज़बरदस्त बैट्समैन है और मैं बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस्ड हूँ उनकी, खासकर जो उन्होंने लॉर्ड्स में जो परफॉर्मेंस दी है, जो उन्होंने सेंचुरी बनाई है। बहुत रेयरली बहुत कम बल्लेबाज है जिन्होंने लॉर्ड्स पे ये कारनामा किया है, और केएल राहुल की उन्होंने और भी ज़्यादा तारीफ इसलिए करी। उनको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद में आई वो ये, उन्होंने कहा कि भाई केएल राहुल अभी तक 6 शतक लगा चुके हैं जिसमें से उनके 5 शतक तो ओवरसीज आए हैं, यानी कि ऐसा उन्होंने अपने देश के बजाय उन्होंने बाहर ओवरसीज कंट्रीज में इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया उनके खिलाफ उन्होंने ज़्यादा शतक मारे हैं, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। उन्होंने कहा कि यूजुअली क्या होता है कि जितने भी प्लेयर्स जब नए आते हैं क्रिकेट में तो वो अपने शुरुआती कुछ जो शतक होते हैं वो अपनी होम कंडीशंस में लगाते हैं, उसके बाद उनका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है और फिर वो बाहर के अदर कंट्रीज में जाके वो शतक लगा पाते हैं। लेकिन केएल राहुल उन चुनिंदा कुछ खिलाड़ियों में से एक हैं, बहुत ही रेयरली ऐसा होता है कि उन्होंने अपने करियर के शुरुआत के ही जो शतक हैं वो बाहर की कंट्रीज में लगाए, और वो बहुत ही ज़्यादा गजब चीज़ है। और उनको ये लगता है कि भाई केएल राहुल आने वाले टाइम में वर्ल्ड के सबसे बड़े बैट्समैन में से एक डेफिनेटली होंगे। आप क्या क्या सोचते हैं मुझे कॉमेंट करके बताओ। अगली स्टोरी निकल के आ रही है आकाश चोपड़ा की तरफ से। भाई आकाश चोपड़ा ने कहा है कि जो लॉर्ड्स में जो मैदान में जो गेम चल रहा है कि लॉर्ड्स की पिच जो है वो 4th और 5th दिन बहुत ज़्यादा स्लो होने वाली है, स्लो हो जाएगी, और ऐसे टाइम पे स्पिनर का ज़्यादा दबदबा रहता है। एक अच्छा एक्सपीरियंस स्पिनर आपको मैच में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करता है, बहुत वापसियाँ करवाता है। तो उनका ऐसा मानना है कि आर अश्विन को इस मैच में खेलना चाहिए था। आर अश्विन का ना होना इंडिया के लिए भारी पड़ सकता है, विराट कोहली के लिए उल्टा पड़ सकता है। तो उनका यह मानना है कि विराट कोहली को आर अश्विन को ज़रूर जगह देनी चाहिए थी, बट आर अश्विन अब खेल तो रहे नहीं है, तो देखना होगा कि अब ये मैच किस तरीके की करवट लेता है। बाकी वो पूरी तरह से नाखुश दिखे विराट कोहली के डिसीजन से, और उनका मानना है कि ऐसा होना चाहिए था, रविचंद्रन अश्विन का टीम में होना चाहिए था। अगली स्टोरी है भाई माइकल वॉन की तरफ से। माइकल वॉन ने कहा कि भाई ये बहुत ही बकवास, बहुत ही वाहिया चीज़ है कि जब भी कोई टेस्ट सीरीज, कोई इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली होती है तो हमारे ECB को, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को, हमारी इंग्लैंड टीम को कुछ वार्म अप मैचेस करवाने चाहिए, 1 या 2 टेस्ट मैच वार्म अप मैच होने चाहिए कोई भी मेन सीरीज शुरू होने से पहले। उससे प्लेयर्स रिदम में आ जाते हैं, उनका मोमेंटम बन जाता है, और वो चीज़ जो है टीम को बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। हालांकि इंग्लैंड अभी रिसेंटली टेस्ट सीरीज खेलकर आई है, राइट, टेस्ट सीरीज जो उन्होंने खेली थी न्यूजीलैंड के साथ रिसेंट में, और उनके अपने मैदान पे ही थी, वो अपनी कंडीशंस में थी। इनफैक्ट इंडिया बल्कि नहीं खेल कर आई है, और इंडिया रिसेंटली ODI सीरीज खेली है उसमें भी इंडिया के मेन जो प्लेयर्स थे वो नहीं थे, जो अभी रिसेंटली श्रीलंका के साथ खेली, और टेस्ट सीरीज तो उन्होंने खेली ही ऑस्ट्रेलिया के साथ थी, उसके बाद उनकी टेस्ट सीरीज सीधा इंग्लैंड के साथ हो रही है, बीच में कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं थी। तो मेरे ख्याल से इंडिया को ज़्यादा उस चीज़ का नुकसान हो रहा है बजाय इंग्लैंड के। लेकिन जो उनका आइडिया है वो मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा ठीक लगा, बट बड़ी टीम्स के लिए मुझे नहीं लगता उतना ज़्यादा मैटर करता है। आप बताओ आप क्या क्या सोचना है कि कोई भी मेन सीरीज होने से पहले, कोई भी मेन टेस्ट सीरीज शुरू होने से पहले क्या 1-2 टेस्ट मैच वार्म अप के लिए होने चाहिए जैसा माइकल वॉन का कहना है? मुझको ये कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं लग रही, बाकी आपको क्या लगता है कॉमेंट करके बताओ। अगली स्टोरी निकल के आ रही है वापस आकाश चोपड़ा की तरफ से। भाई आकाश चोपड़ा ने कहा है, वो अपने यूट्यूब चैनल को कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं वैसे तो क्रिकेट के बारे में, कमेंटेटर तो वो है ही। उन्होंने कहा कि भाई इंडिया की जो 3rd नंबर की और 5वें नंबर की जो बैटिंग पोजीशन है वो अभी भी क्वेश्चन मार्क है उसके ऊपर, क्योंकि अजिंक्य रहाणे और चेतेश्वर पुजारा ये दोनों ही पिछले कई टेस्ट मैच से परफॉर्म अच्छा नहीं कर रहे हैं, ऐसा उनका कहना है, और ऐसा सच भी है। उन कई इनिंग्स रही हैं जिसमें वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, रन्स नहीं बना पाए। चेतेश्वर पुजारा का तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल है, पिछली 10 इनिंग में वो 20 के मार्क को भी एक ही बार टच कर पाए, 21 रन बना पाए, वो 150 भी नहीं लगा पाए। इंडिया के सबसे मेन, इंडिया की बैकबोन माने जाते हैं फिलहाल टेस्ट क्रिकेट में, तो जाहिर सी बात उनसे इतनी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली रहाणे और पुजारा दोनों ही रन नहीं बना पाए हैं, जो कि बहुत ही इंडिया के लिए सोचने वाला विषय है। और उनका मानना यह है कि इन दोनों को ही टीम से हटा देना चाहिए और इनकी जगह पे किसी और को चांस देना चाहिए, बस बहुत हुआ, ऐसा आकाश चोपड़ा का कहना है। आपका क्या सोचना है कमेंट करके बताओ मुझे।
अगली स्टोरी निकल गई केएल राहुल की तरफ से। केएल राहुल की जहाँ पे इतनी ज्यादा तारीफ हो रही है क्योंकि उन्होंने ऑफ कोर्स परफॉर्म करा, उन्होंने पिछली इनिंग में भी 84 रन समथिंग बनाए और इस इनिंग में भी उन्होंने माफ कीजिए पिछले मैच में उन्होंने 84 समथिंग रन बनाए और इस मैच में भी उन्होंने पहली इनिंग में 129 रन कॉन्ट्रीब्यूट करे, तो अभी तक तो हाइएस्ट रन स्कोरर बने हुए हैं वो टेस्ट सीरीज के। तो इसी बीच उन्होंने एक बात ये भी कही है कि मैं जब मेरे को ड्रॉप किया गया था 2018 की इंग्लैंड टेस्ट मैच सीरीज से जो पिछली बार हुई थी, तो उसमें मेरे को मेरा सेलेक्शन ना होना मुझे उस चीज़ का कोई भी मलाल नहीं है क्योंकि मेरी परफॉर्मेंस ही अच्छी नहीं थी और जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी उसको टीम से बाहर रहना पड़ सकता है, ऐसा केएल राहुल ने कहा। और मेरे ख्याल से उन्होंने काफ़ी सेंसिबल काफ़ी लॉजिकल जवाब दिया, तो हेड्स ऑफ टू हिम। और एक और बड़ी स्टोरी निकल के आ रही है वो ये कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड दोनों ने ही हरी झंडी दे दी है, ग्रीन सिग्नल दे दिया ऑफिशियली अपने प्लेयर्स को आईपीएल में भेजने का। जो भी उनके मेन प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में जाके खेलेंगे और जितनी भी फ्रेंचाइजी हैं जिसमें भी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स हैं उन सबको भी नोटिफिकेशन जा चुका है और प्लेयर्स वहाँ पे खेलेंगे। अगली स्टोरी निकल के आ रही है उन्मुख चंद के बारे में। उन्मुख चंद, जैसा कि मैंने बताया था आपको और आपको पता भी होगा कि वो रिटायर हो चुके हैं इंडियन क्रिकेट टीम से, उन्होंने रिटायर कर दिया। हालांकि इंडियन क्रिकेट टीम उनको भी खेलने का कभी मौका नहीं मिला, बट उन्होंने जो भी था बीसीसीआई से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, वहाँ पे उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है अपना और अब से वो यूएसए की तरफ से खेलेंगे। यूएसए में पहले उन्होंने मल्टीपल ईयर्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और उनकी जो यूएसए की मेजर क्रिकेट लीग है, जैसे कि हमारे आईपीएल होती है वैसे यूएसए में एक मेजर क्रिकेट लीग शुरू होने वाली है, वो 2023 में होगी। उसी का उन्होंने एक छोटा वर्जन, एक बच्चा उन्होंने माइनर क्रिकेट लीग करके वो शुरू कर रहे हैं जो कि शुरू हो चुकी है अभी, जिसमें उन्मुख चंद खेलेंगे। और अभी की मेन लास्ट स्टोरी जो निकल के आ रही है वो आ रही है सुनील गावस्कर की तरफ से। सर सुनील गावस्कर ने कहा है जो बातें चल रही हैं अजिंक्य रहाणे और आपके चेतेश्वर पुजारा की परफॉर्मेंस को लेकर, तो उन्होंने एक बहुत ही लॉजिकल काफ़ी सेंसिटिव काफ़ी सेंसिबल बात उन्होंने बोली है। सुनील गावस्कर जी ने कहा है कि भाई देखो उनकी परफॉर्मेंस डाउन चल रही है, बिल्कुल सही बात है और इसका खामियाजा इंडिया को भुगतना पड़ रहा है, लेकिन उनकी कुछ टेक्निकल इश्यूज हो रहे हैं जिसकी वजह से वो लगातार परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में भी चेतेश्वर पुजारा जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, बाउंसर्स के खिलाफ वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है कि उनकी फॉर्म ज़्यादा खराब है, कुछ टेक्निकल इश्यूज जो उनको बार बार फेस करने पड़ रहे हैं और इसमें उन्होंने जिम्मेदार ठहराया है टीम की कोचिंग को भी, टीम की जो मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा कि भाई उनके टेक्निकल इश्यूज, अब जाहिर सी बात है सुनील गावस्कर जैसा बड़ा बैट्समैन अगर कुछ कह रहा है, कुछ वो चीज़ आइडेंटिफाई करके बता पा रहे हैं कि टेक्निकल इश्यूज हैं, तो जाहिर सी बात ऑब्वियसली होंगे ही। तो उन्होंने कहा कि भाई टेक्निकल इश्यूज हैं जिन पे काम करना चाहिए, क्योंकि यही इन्हीं टेक्निकल इश्यूज की वजह से ये दोनों बल्लेबाज रन नहीं बना पा रहे हैं और उनको सिमिलर पोजिशन सिमिलर सिचुएशंस बार बार फेस करनी पड़ रही हैं। अगर उन टेक्निकलिटीज पर काम होगा तो ये बैट्समैन दोनों बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं, इंडियन टीम की बैकबोन है और कोई ज़्यादा प्रॉब्लम की बात नहीं है। इसलिए उन्होंने जिम्मेदार प्लेयर्स से ज़्यादा प्लेयर्स को तो ठहराई है, उन्होंने मैनेजमेंट और कोचिंग को भी ठहराया कि उनका इन पे ध्यान ना देना बहुत ही गलत चीज़ है, जिस चीज़ को जल्दी से जल्दी सॉर्ट आउट करना चाहिए। तो भाई अभी तक की मेन स्टोरीज यही थी, कोई और मेन स्टोरी होती है वो मैं लेकर आऊँगा। बाकी दिन की जो भी क्रिकेटिंग मेन स्टोरीज होती हैं वो मैं अपनी शाम की वीडियो में कवर करता हूँ। अगर आपको इसी तरीके की सारी स्टोरीज एक बार में देखनी होती हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच, हैव ग्रेट, बाय।